मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मणिपुर की घटना को लेकर जिस तरह से आदिवासी संगठन के लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची की मेन रोड की। आप तस्वीरों को देख सकते हैं मेन रोड में किस तरह से मणिपुर में जो महिलाओं के साथ घटना हुई है उसके बाद से आदिवासी समाज उद्वेलित है और आंदोलन की मूड में है। ये जो आंदोलन है, ये आप लोगों को मणिपुर की घटना के लिए किसे दोषी मान रहे हैं? देखिए, मणिपुर घटना सीधा सीधे जो वहाँ की राज्य सरकार है और केंद्र सरकार, दोनों को मैं दोषी मानूँ, इसलिए कि दोनों में बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। और 2 महीना से ज़्यादा ये घटना हो चुकी है, वहाँ पर आए दिन दंगा फसाद मारपीट हिंसा झड़प डेली आए दिन हो रहा है। और एक चीज़ बताइए, ये 2 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक वहाँ पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। या तो तुरंत अगर सरकार चाहेगी तो 2 दिन में कंट्रोल कर लेगी, लेकिन ये लोग जानबूझ के सिर्फ दंगा करना चाहते हैं, दंगा के आड़ में रोटी सकना चाहते हैं। लेकिन ये तो आदिवासियों के बीच की लड़ाई थी, मैथी समुदाय आदिवासी बनना चाहता था, जिस तरह से झारखंड में महतो जाति आदिवासी बनना चाह रहा। देखिए, मांग कोई मांग सकता है, लेकिन उसका निर्णय तो केंद्र सरकार करेगी और कोर्ट करेगा। तो इस तरह से इन लोगों ने कोर्ट के द्वारा, आप जानते हो कि कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया आदिवासी मांग को, तो ये जो कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, ये लोग हाथापाई उतर गए, मारपीट उतर गए। तो ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है कि आदिवासी चुप रहने वाले में से नहीं है। ना मुगल को समझा, ना अंग्रेज को समझा, सबके साथ आंदोलन किया और देश को आजाद करने में अहम भूमिका रहा है आदिवासियों का। अगर लोग नहीं सुधरेंगे, समझेंगे, तो आदिवासी भी हथियार उठाएंगे और अपने हक अधिकार, अपनी मान सम्मान के लिए लड़ेंगे या फिर मरेंगे। यानी माना जाए कि झारखंड में भी इस तरह का हो सकता है। देखिए, अगर होने को होगा तो हम लोग तो पहले शांति की बात करेंगे, अगर शांति पर बात आगे नहीं आएगी फिर हम लोग का भी हथियार उठाने के विवश होना पड़ेगा। लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी, ये जो आंदोलन है अब क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये पूरा घटना भाजपा की केंद्र सरकार और मणिपुर की भाजपा की बीरेन्द्र सिंह सरकार की मिलीभगत का घृणित राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम है। दरअसल वह भाजपा मैथिली समुदाय में अपना राजनीतिक वोट बैंक साधना चाहती है, क्योंकि विधानसभा गणित 60-40 में 40 का विधायक मैथिली समुदाय है। मैथिली समुदाय के अंदर में अपना पकड़ मजबूत करने के लिए और धारा 371C को हटाने को लेकर, जहां पहाड़ी और आदिवासी लोगों का ज़्यादा अधिकार है, उसको छीनने के लिए ये तमाम वहाँ पर हिंसा बलात्कार आगनी दंगा बलवाई जा रहा है। और ये भाजपा सरकार का, केंद्र और राज्य सरकार का मिलीभगत का घृणित महत्वाकांक्षा का परिणाम है, हम इसको देख सकते हैं जी। ये तो आशंका यहाँ पर भी है, क्योंकि महतो जाति भी आपको आदिवासी की मांग कर रहा है, ऐसे में तो जो मणिपुर का असर झारखंड में भी दिखाई दे रहा है। मैंने बहुत पहले ही कहा है, मणिपुर को जब घटना शुरू हुआ मैं वहाँ का नज़र रख रहा था, यहाँ भी आदिवासियों को और अन्य जातियों को इस विषय पर लड़ाया जाएगा। मणिपुर में है मणिपुरी जाति, मणिपुरी समुदाय के कुकी नागा मैतेई को लड़ा जा रहा है, यहाँ पर भी आदिवासी कुर्मी तेलियों को लड़ाया जाएगा, ताकि भाजपा अपना राजनीति वोट बैंक नफा नुकसान अपना गणित ठीक करे। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आदिवासियों के बीच जो बातें हो रही हैं उसको लगातार जो नेता हैं वो कह रहे हैं। ये बताइए कि जो ये मणिपुर में घटना हुई, झारखंड में भी कुछ इसी तरह का जातीय संघर्ष हो सकता है अगर महतो बिरादरी लगातार मांग कर रहा है, आप लोग विरोध कर रहे हैं उसका? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मणिपुर की घटना, और आपने कहा कि यहाँ भी छोटी मोटी घटना होती है, आदिवासी को बचपन से घटना हो रहा है, लेकिन व्यापक तौर पे जो घटना हो रही है, तो मैं रहिए ना जी, क्या मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने जो है हमारे आदिवासियों को नंगा जो घुमाने के, ये 2 महीने से मालूम था, मैं अभी भी मांग करना चाहता हूँ, मोदी जी से थोड़ा सा भी शर्म है तो आप जाके मणिपुर पर संज्ञान लें, और मांग करना चाहते हैं वहाँ का दूध और दूध पानी होने के लिए NIA और CBI से हम मांग करना चाहते हैं, उसकी जांच हो। दोषी किसको मांगते हैं? दोषी मोदी को मानते हैं, मोदी बेशरम है, मोदी आतंकवाद है, जातिवाद है, वोट की राजनीति करने आता है, इसका पूरे जोर से हम निंदा हम लोग करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर
अल्बर्ट एका चौक पर एकत्रित हुए हैं और पुतला दहन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इन तस्वीरों में आदिवासी समाज विरोध कर रहा है कि मणिपुर में जो घटना हुई है वो बेहद ही निंदनीय है और इस तरह की घटनाएं समाज को न केवल कलंकित करती है बल्कि मानवता को भी शर्मसार करती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी रांची की, जहां इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं जो स्थितियां हैं जो मणिपुर में घटना हुई है, मणिपुर में घटना होने के बाद। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।